हेलो गाइस, तो अभी के सेशन में हम लोग जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम अपने सिलेबस में नहीं है। मतलब जो आईआईटी जेई का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, उसमें नहीं है। तो इस थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे कुछ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते हैं अपने को, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थियरम बहुत ही काम का है। अब नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इससे नहीं करेंगे। हम लोग अब आगे, इसके आगे हम लोग एक पढ़ने वाले आरसी सर्किट, ठीक है? तो आरसी सर्किट जो होगा, और फिर बाद में हम लोग ईएमआई में पढ़ेंगे एलआर सर्किट। वो आरसी सर्किट और एलआर सर्किट, ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो मैं पहले थ्योरम का नाम लिखता हूँ, कुछ कुछ लोगों को शायद से सुना होगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हैं 11th 12th में, उन्होंने सुना होगा थेवेनिन थ्योरम, ठीक है? अब थेवेनिन थ्योरम होता क्या है? देखो, नाम बकवास है, मत देखो, थ्योरम क्या है वो देखो, ठीक है? तो मैं थ्योरम पहले बताता हूँ क्या होता है। अब हम लोग ने देखा हुआ है, लेट्स से मैं एक यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करता हूँ, मैं एग्जाम्पल से इस थ्योरम को बता देता हूँ आपको, ठीक है? अब देखो, ये पर्टिकुलर सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब मैंने आपको बोला कि फाइंड करंट थ्रू दिस 2 ओहम रेजिस्टेंस। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, फाइंड द करंट थ्रू दिस 2 ओहम रेजिस्टेंस, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक करंट निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, आपको जो जो मेथड मैंने बताई, ये आइदर आप केसीएल यूज करोगे, केवीएल यूज करोगे, मतलब केसीएल केवीएल जो कॉम्बिनेशन है वो यूज करोगे, या फिर नोडल एनालिसिस यूज करोगे और इस करंट को निकालोगे। अब मैं उससे भी थोड़ा सिंपलर मेथड आपको बताता हूं। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में अपना नोड मेथड बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन ये जो मेथड मैं यहां पे आपको बताऊंगा, जो ये थ्योरम बताऊंगा, वो मैंने आपको क्या बोला है, कहां पे हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, आरसी सर्किट में, ठीक है? तो अभी के लिए तो मैं थ्योरम, मतलब ये एक्चुअल थ्योरम क्या है, उसको यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अब मुझे क्या निकालना है, यहां पे करंट निकालना है। देखो, अब यहां पे तो 2 ओम से मुझे निकालना है। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि इस 2 ओम से निकालो, कभी कभी इस 2 ओम से, सबके लिए वैलिड है। अब मेथड देखो क्या है, 2 ओम से मुझे निकालना है, तो इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी। अब मैंने क्या किया, जो 2 ओम रेजिस्टेंस है उसको पहले निकाल दो पिक्चर से, मतलब उसको सर्किट से ही निकाल दो। मुझे बताओ, इसको सर्किट से निकालोगे तो सर्किट कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब मेरा सर्किट हो गया ऐसे। अब देखो, ये थ्योरम जो है वो बताता क्या है, जैसे ही मैंने 2 ओम को निकाला, अब 2 ओम को मैंने क्यों निकाला, क्योंकि वहां से मुझे करंट फाइंड आउट करना था, यहां से करंट कितना जाएगा, राइट? अब जैसे ही मैंने 2 ओम को निकाला, ये पूरा का पूरा सर्किट, मुझे बताओ इसमें कितने बैटरीज आपको दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, तीन बैटरीज और 2 रेजिस्टेंसेस। अब ध्यान में रखो, थेविनन क्या बताता है, थेविनन बताता है इस 2 ओम के लिए, मुझे बताओ इस ये 2 ओम को क्या पता है कि यहां पे कितनी बैटरीज और कितने रेजिस्टेंसेस है, नहीं पता ना। हाँ, तो 2 ओम के लिए हम लोग बोल सकते हैं, 2 ओम को ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा, यहाँ का जो पूरा का पूरा जो सर्किट है, सपोज मैं इस पूरे सर्किट को एक बैटरी, देखो एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर पाया, ठीक है? मतलब इस पूरे सर्किट को, 3 बैटरीज और 2 रेजिस्टेंसेस, इनको मैं किस में कन्वर्ट कर पाया, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, सपोज मैं ऐसे कर पाया, तो देखो मेरा काम कितना इजी हो गया। अब ये ए और बी होगा, ये इस पूरे सर्किट को मैंने सपोज ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? और अब मुझे इस 2 ओम से करंट निकालना है, तो मैंने 2 ओम को डाल दिया, तो अब क्या हो गया, ये जो वोल्टेज होगा वी डिवाइड बाय इनका सम, ये मेरा करंट हो जाएगा। तो मेरा आंसर देखो कितना इजी हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कि पूरे 3 बैटरीज और 2 रेजिस्टेंसेस, या यहां पे कुछ 10 बैटरीज दी रहेंगी, 10 रेजिस्टेंसेस दिए रहेंगे, उनको मैं क्या कर, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस में। अब इस बैटरी को मैं बोलूंगा वी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बैटरी, ऑब्वियस की बात है, या इसको मैं बोलता हूं, अब थेविनन निकाला हुआ है तो इसको बोलूंगा वी थेविनन, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। और इस रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट और आर थेविनन, ठीक है? तो अब V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट सपोज मैं कर पाया, तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब लेट्स से ये हो गया मेरा R, कोई भी रेजिस्टेंस होगा, तो मुझे बताओ इसमें करंट कितना जाएगा R से, तो I की यहाँ पे वैल्यू होगी V थेविनिन डिवाइड बाय क्या, R थेविनिन प्लस R, यही होगा ना, तो खत्म। अब ये करंट आ गया, तो मैं यहाँ से पावर भी निकाल सकता हूँ, माई पावर इज I स्क्वायर R, सब कुछ निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो चलो, अब हम लोग प्रोसेस देखते हैं भाई, कि भाई V थेविनिन एंड R थेविनिन कैसे निकालते हैं। अब मैंने सिर्फ इतना ही सर्किट मुझे, राइट, मुझे इन 3 बैटरीज को एक बैटरी में कन्वर्ट करना है और 2 रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है।
तो पहले तो मैं आर इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? अरे बहुत इजी चीज़ है, दिमाग लगाना ही नहीं है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जितने भी बैटरीज आपको दिख रही है ना, मतलब जितने भी ईएमएफ सोर्सेज दिख रहे हैं, इन सारे बैटरीज को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट मतलब क्या? सिंपल एक सीधा सा वायर। तो मुझे बताओ यहाँ पे सर्किट पूरा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 ओम। देखो ये 2 ओम ऐसा कैसा रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, शॉर्ट मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो है ही, देखो 8 वोल्ट बैटरी निकल गई ना, शॉर्ट कर दी मैंने। अब 2 ओम है 4 वोल्ट, इसको शॉर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी भी निकल जाएगी। तो सीधा 2 ओम कैसे आ जाएगा भाई, ऐसे आ जाएगा ना 2 ओम। चलो अच्छी बात है, तो ये 2 ओम हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको भी शॉर्ट कर दिया मैंने, इसको शॉर्ट कर दिया तो ये सीधा ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, यही तो हो गया। देखो ये बैटरी यहाँ पे शॉर्ट हो गई, यहाँ पे शॉर्ट हो गई, और यहाँ पे बैटरी शॉर्ट हो गई, तीनों तीन बैटरी को शॉर्ट कर दिया, और ये हो गया मेरा ए और बी। अब ए और बी में जो भी दिखता है ना, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, वही मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। भाई कितना इजी है। तो मुझे बताओ इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 और 2 पैरेलल, 2 और 2 पैरेलल कितना होता है, 1 ओम। तो बस आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट आर ए बी विच इज इक्वल टू 1 ओम, खत्म। भाई आर थेवीनन तो मुझे मिल गया, अब क्या मुझे निकालना है, वी थेवीनन। अब यहाँ पे मुझे बताओ वी थेवीनन के लिए क्या करोगे? अरे वी थेवीनन भी इजी है, लेकिन कभी कभी लोगों को डिफिकल्ट लगता है। देखो आर थेवीनन इतना इजी नहीं है, लेकिन वी थेवीनन उतना ही इजी। क्यों? मुझे बताओ गेस करो भाई, वी थेवीनन क्या हो सकता है? वी थेवीनन यहाँ पे आर थेवीनन के लिए क्या किया भाई, बैटरीज को तो शॉर्ट कर दिया मैंने। क्या वी थेवीनन के लिए बैटरीज को शॉर्ट करेंगे? भाई नहीं करेंगे। वी थेवीनन के लिए बैटरीज को क्यों शॉर्ट करेंगे? देखो मैंने यहाँ से क्या निकाला है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस था ना, वो निकाला हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे उससे करंट निकालना था। अब ये निकालने के बाद जो सर्किट बचता है ना, इस सर्किट में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ना वी ए बी, अब इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या बोलेंगे उसको, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब जैसे मैंने 2 ओम को निकाला हुआ है, जो सर्किट बचा हुआ है, ये वोल्टेज आपने सपोज मेजर किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजर किया, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेरा वी थेवेनिन, खत्म। अब देखो कि वो चीज इजी क्यों हो गया, मतलब मैं क्या बोला, ये इजी क्यों है, मुझे बताओ। यहां से करंट नहीं जाएगा तो करंट कहां पे जाने वाला है, सिर्फ करंट तो सिर्फ इसी सर्किट में जाएगा ना। इसे मुझे बताओ इसी सर्किट में से जो करंट है वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो? अरे भाई एक ही तो लूप है, ये 8 वोल्ट बैटरी और ये 4 वोल्ट बैटरी, एक दूसरे को क्या करने वाले, अपोज करने वाले। तो बेसिकली टोटल बैटरी कितना बचा, ईएमएफ कितना बचा, 8 माइनस 4, 4 वोल्ट का बैटरी बचा, और कितना रेजिस्टेंस है, 2 प्लस 2 कितना, 4। तो बेसिकली इसमें से करंट कितना आया, इसमें से जो करंट है वो कितना आया, ये करंट आ गया ना, करंट की वैल्यू आ गई कितनी, 1 एम्पियर। नहीं है तो आप केवीएल लगा दो भाई, ये तो आना चाहिए आपको, केवीएल I into 2 plus I into 2 plus 4 minus 8 is equal to 0, यही तो आएगा। तो मेरा करंट का वैल्यू यहां पे कितना आया, 1 एम्पियर। अब मुझे बताओ मुझे वी ए बी निकालना है। अब वी ए बी निकालने के लिए ये तो पॉइंट बी ही है, अब इसको मैंने मान लिया सी, तो मुझे बताओ वी ए बी क्या होगा, ये जो वी ए बी वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी ए सी प्लस वी सी, लेट्स इसको डी लिखता हूं, प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी, खत्म ना, यही तो है। देखो ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -1 वोल्ट प्लस वी सी डी की वैल्यू कितनी है, अब वी सी डी कितना है, बेसिकली इसमें से करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, तो 1 into 2 कितना, 2 वोल्ट, ठीक है 2 वोल्ट। वी डी बी कितना है, 4 वोल्ट, ठीक है 4 वोल्ट, तो कितना हुआ है, 5 वोल्ट हो गया ना बस। तो ये जो मेरा 5 वोल्ट है वही मेरा क्या है, वी थेविन। वी थेविनन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 5 वोल्ट। आर थेविनन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 1 ओम। बस अब ये था मेरा बेसिकली मेथड वी थेविनन एंड आर थेविनन निकालने का। क्या था इसमें, आर थेविनन के लिए क्या किया था अपन ने, सिंपल ये सारे वोल्टेजेस को, बैटरीज को शॉर्ट कर दिया था, तो ये मेरा सर्किट बना था। वी थेविनन के लिए क्या किया था मैंने, वी थेवेनिन के लिए यहाँ पे अक्रॉस ए बी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, बस जो ओपन सर्किट वोल्टेज उसको हम लोग बोलेंगे, बस वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। एक्चुअल में आप देखा जाए तो ये सर्किट को अपन ने ब्रेक कर दिया,
ठीक है, तो मेरे यहाँ पे जो दो लूप्स बन रहे थे, आप एक्चुअल क्वेश्चन में देखो कि दो लूप बन रहे थे, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा था, वो क्वेश्चन सिंपल एक लूप का बन गया। और एक लूप का बनने से हम लोग डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ध्यान, मेरे को जो वी थेविनन जो बनाया है ना, वो थियरम इसके लिए बनाया है कि हम लोग हर एक चीज़ माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखते कैसे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया, ठीक है। वी थेविनन, वी ए बी कैसे निकालते समझ में आया, ठीक है। अब मुझे फाइनली मेरा सर्किट सॉल्व करना है। अब वापस मैं मेरे सर्किट पे जाता हूँ। क्या है मेरा सर्किट? यहाँ पे जो वी थेविनन आया है इसकी वैल्यू कितनी आई है? 5 वोल्ट। यहाँ पे जो आर थेविनन आया है उसकी वैल्यू कितनी आई है? आर थेविनन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 ओम। 1 ओम ही तो आई है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है। और मुझे बताओ इस आर की वैल्यू कितनी है? वापस डाल दो यहाँ पे ए बी में, अपने को तो करंट आई ढूंढना था ना, इसमें डाल दो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। तो मुझे बताओ इसमें करंट कितना जाएगा इस सर्किट में? 5 / 3, तो करंट की वैल्यू कितनी है? 5/3 एम्पियर। बस यही मेरा आंसर है। मेरा आंसर कितना आएगा? 5/3 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस रहेगा कितना? 5/3 एम्पियर। बस ये मेरा आंसर होगा। अब आप एक्चुअली आप केसीएल और केवीएल और नोड एनालिसिस से इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आपका डायरेक्टली आंसर आएगा 5/3 एम्पियर। एक नया मेथड आपको मिला है, ठीक है। अब ये जो नया मेथड है, वापस मैं बोल रहा हूँ, ये नया मेथड हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे आरसी सर्किट्स में। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें इस मेथड से डिराइव हो जाती है, कभी कभी, जैसे कि ये वाले सम को आप डायरेक्टली देखोगे तो ये वाले सम में इवन आपको नोडल एनालिसिस लगाना होगा, ठीक है, तभी भी आपको वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बराबर, जो भी, एक 0 ओम 0 वोल्ट मानना पड़ेगा कहाँ पे, और फिर इक्वेशन लिखना पड़ेगा। केसीएल केवीएल के तो अपने को दो लूप्स बनाने पड़ेंगे, दो साइमल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ देख के, जिनका नॉर्मल सर्किट थ्योरी अच्छा है, मतलब जिनको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आता है, थोड़ा बहुत डायरेक्टली माइंड कैलकुलेशन, जिनका मैथ्स अच्छा है, वो सीधा इस क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर देता है। मतलब आप खुद ट्राई करो ना, मुझे बताओ, देखो यहाँ पे 2 ओम, ये 2 ओम है, बताओ क्या करोगे इस 2 ओम में? 2 ओम को मैंने निकाल दिया। अब जैसे 2 ओम को निकाल दिया, मेरा ये सर्किट बचा। अब इस सर्किट को देखो, बाजू वाला, अब इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था, इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया, 2 और 2 क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल हो गए तो कितना आएगा रेजिस्टेंस? 1 ओम आ गया। तो मेरा आरथेविनिन आ गया दिमाग में 1 ओम। फिर मैंने डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया, ये एक सर्किट बना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं डायरेक्टली मन से निकाल सकता हूँ, तो वो भी हो गया। बस ये दोनों आ गया, तो ये सर्किट तो आप दिमाग में बना सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। या फिर मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो आपका और बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बोला है कि हमने इस 2 ओम रेजिस्टेंस में मैंने करंट निकाला, अब मुझे बताओ इस 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, चलो करो, कितना होगा?